शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अश्विन भट्टी की वेकेशन वाली बेंच ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दे। अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे तो क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंधवी ने कहा कि यह उचित नहीं है, जब फैसला मेरे पक्ष में आया था तो क्यों रोका गया? सिंधवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउंड अवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए। हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए। सिंधवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं है। एसजी मेहता ने कहा कि 2 दिन में अवकाशकालीन बेंच ने यह फैसला दिया है, यह पूरी तरह से गलत है। निचली अदालत ने अपने ही आदेश के लिखा है कि वह ईडी के दस्तावेजों को नहीं देख पाई है। सिद्धवी ने कहा कि हाई कोर्ट में ईडी ने बिना आदेश की प्रति के याचिका दायर कर दी है। ईडी ने कहा कि बाद में आदेश आया तो उसकी प्रति दी गई। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था, जब वहां की जमानत मिली तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं है जो कैदियों के संबंध में दिया गया था। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश का हवाला दिया जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने का कोई खतरा नहीं। जांच अगस्त 2022 से लंबित थी और उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। सिद्धवी ने ईडी के वकील पर जानबूझकर निचली अदालत में कई पहलुओं पर दलील नहीं देने का आरोप लगाया है। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउंड अवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रखेंगे। आदेश सुना जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। कहा जा रहा है कि कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा था। इसके बाद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राउज अवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।